स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार और छोटों को आशीष प्यार। दिन के 12 बजे हैं, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं। अभी जा रहे हैं हम दोनों बाज़ार और बैंक में हमारा कुछ काम है, थोड़ा इनका KYC भरना है और भी काम है बाज़ार में, इसलिए आज हम दोनों बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ से आके मिलते हैं आपसे। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग पर। शाम के 2 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं बाज़ार से। बाज़ार से आने के बाद मैं चाय बना रही हूँ, चाय रखी है मैंने चूल्हे में और हम पीते हैं चाय, फिर मिलेंगे आपसे चाय पीने के बाद। आज संकट चतुर्थी है, मेरा भी संकट चतुर्थी का व्रत है। आप सभी को संकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान गणेश जी आपके सब के कष्ट दूर करें। और अभी शाम के 4 बजे हैं, मैं ज़रा सी दूबा ढूंढती हूँ बाहर, क्योंकि आजकल जो ये पाला पड़ता है उसकी वजह से सारा दूबा सूख चुका है। ढूंढती हूँ अभी मैं कि कितना दूबा मिलता है मेरे को। संकट चतुर्थी के व्रत में 108 दूबा रखते हैं और 108 चावल गिनते हैं, उतने ही तिल, सभी चीज़ अभी से तैयारी कर देती हूँ। नैवेद्य के लिए पूरी भी बनाए नहीं हैं और तिल के लड्डू बनते हैं भून के, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी ढूंढती हूँ मैं दूबा, क्योंकि फिर शाम होने वाली है, पहले दूबा ढूंढ लेती हूँ। देखिए आजकल सारा दूबा सूख चुका है, दूबा तो बहुत है यहाँ पर सूख गया है। अभी मैंने इतना ही ढूंढ पाई हूँ मैं, ये अभी इनको गिनना है। गिनने के बाद तब 2-4 फूल भी सूख गए हैं आजकल, और तब ढूंढती हूँ मैं कितना हरा हरा मिलेगा तो उसी को निकालूँगी। देखिए ये दूबा है पर ये तो सूख चुका है, ये सूख गया है। हरा दूबा ढूंढती हूँ मैं, देखिए ये थोड़ा सा हरा था, ये वाला निकाल रही हूँ मैं। ज़रा ज़रा करके हो जाएगा, थोड़ा सा इनके गांठों को तोड़ के छोटे छोटे कर लूँगी, हो जाएंगे 108। सब्जी भी काट दी है मैंने, गटेरी और मूली की सब्जी बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी सब्जी अच्छी लगती है। और इसमें डालूँगी मैं पपीस के भांग, पहले इसको रख देती हूँ मैं चूल्हे में। और अभी और काम भी करने हैं मुझे बहुत सारे, मैं दिखाती रहूँगी आपको। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। भी छान के रख दिया है और यहाँ पर मैंने ये तिल छाने हैं 108 और ये छाने हैं चावल, और सारी तैयारी कर दी है मैंने। अब मैं तिल भून रही हूँ, उसके बाद तिल पीसूँगी, लड्डू भी बनाऊँगी, तब दिखाऊँगी आपको। ये पोहे बनाने के लिए मैंने सूजी तो नहीं थी, पर आटा मैं मिक्स कर दिया मैंने, चीनी और थोड़ा सा मैंने इसमें मट्ठा डाला है, क्योंकि उससे खस्त बन जाते हैं पोहे जो होते हैं। और अब मैं भून रही हूँ यहाँ पर तिल, ये मैं तिल भून रही हूँ, थोड़े से तिल भून लेती हूँ। तिल भूनने के बाद इनको मैं पीसूँगी, फिर बनाऊँगी इनके लड्डू। ये तिल पीस रही हूँ सील में, क्योंकि सील में ही पीस रही हूँ, कम है ये, मिक्सी में तो सारे चिपक जाएंगे। पीसी नहीं थी मतलब समझ गया। लड्डू बनाने के लिए तिल को भुना मैंने, भुनने के बाद अब मैं इसे पीस रही हूँ। पीस चुका है मेरा तिल, अब इसके बनाऊंगी मैं लड्डू। ये देखिए अब मैं पीस रही हूँ भांग, और गटरी की सब्जी में डालने के लिए भांग पीस रही हूँ, इसी में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। मिर्च भी पीस देती हूँ एक साथ और भांग पीस देती हूँ,
दाड़ों में भांग डालनी है। ये सब्जी बहुत ही अच्छी होती है और वो भी कटहरे की सब्जी में, उसमें तो बहुत अच्छी होती है। इसके मैं जब भी कटहरे की सब्जी बनाती हूँ थोड़ा सा भांग डाल देती हूँ, उसमें बढ़िया स्वादिष्ट बन जाती है। जो बनाती है तो मैंने सब्जी को मैंने कुकर में पहले बॉईल कर दिया था, उसके बाद अब मैं इसे कढ़ाई में छौंका लगा रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। छोटी सी कढ़ाई है पर इसका खाना बहुत ही स्वाद बनता है, इसी में बनाती हूँ हमेशा। अब मैं इसको छौंका लगा रही हूँ, उसके बाद भांग डालूँगी तो सब्जी तैयार हो जाएगी मेरी। ये देखिए बन चुकी है सब्जी गटेरे की, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और देखिए इसका कलर कढ़ाई में पकाने की वजह से काला हो गया है बिल्कुल, और दिखने में ऐसा दिखता है, और स्वादिष्ट बहुत ही बनना होता है ये। आप भी कभी बनाओगे तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाना, और इसमें जो भी हम पहले से लोहे के बर्तनों में खाते थे कितनी बीमारियां कम होती थी, और धीरे धीरे करके वो सभी छूट चुका है, इसलिए बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब लोहे के बर्तन में खाना लोगों ने लगभग छोड़ दिया है। हम तो हमेशा बनाते रहते हैं, आप लोग भी बनाना, लोहे के बर्तनों को छोड़ना मत, उनमें खाना बनाना। बन चुकी है मेरी सब्जी। ये तिल के लड्डू बना रही हूँ मैं, इनको थोड़ा सा कूट डाला मैंने उसमें, उसके बाद उसको मसल के ज़रा गीला करा थोड़ा सा, और बना रही हूँ इसके मैं लड्डू। ये बन रहे हैं पोए। देखो मैंने जो मट्ठा में कूदा था आटा, उसकी वजह से कितने फूले फूले बन रहे हैं ये। जैसे सूजी को मिक्स करते हैं दही में, उसी प्रकार से आटे को भी कर दिया मैंने, और फूलने के बाद इतने बढ़िया बन रहे हैं ये, और खस्ता भी होते हैं ये खाने में। देखिए इनको खिला देती हूँ खाना। ये बन चुका है गटरी की सब्जी, पूरी भी बनाई है मैंने, थोड़ी सी पुए बनाए हैं और ये खा लेंगे। उसके बाद मैंने अभी पूजा भी करनी है, अभी चंद्रमा आने में बहुत टाइम लगेगा, मैं उसके बाद खाऊंगी और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको चंद्रमा कितने बजे आता है। आज तो बहुत लेट में आती है चंद्रमा। पूरियाँ भी बना रही हूँ, इसमें पुए बनाए थे मैंने, सोचा दो चार पूरी ही बना लेती हूँ। अब मैं कर देती हूँ गणेश भगवान जी की पूजा। पूजा तो करी है दिन में, अभी जो मैं नैवेद्य चढ़ाने वाला है उसे कर देती हूँ। और ये दूब जो तिल अक्षत तिल के लड्डू जो भी बना रखे हैं मैंने नैवेद्य, उसको मैं चढ़ा देती हूँ। आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में,
गणपति को बुलाओ रीति सिद्धि रूठ जाए, हाँ रीति सिद्धि रूठ जाए, रिद्धि सिद्धि सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, रिद्धि सिद्धि सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। ब्रह्मा जी को बुलाओ सरस्वती मैया रूठ जाए, सरस्वती मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, सरस्वती मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। विष्णु जी को बुलाओ लक्ष्मी मैया रूठ जाए, हाँ लक्ष्मी मैया रूठ जाए, लक्ष्मी मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, लक्ष्मी मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। शंकर जी को बुलाओ गौरा मैया रूठ जाए, शंकर जी को बुलाओ गौरा मैया रूठ जाए, हाँ गौरा मैया रूठ जाए, गौरा मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, गौरा मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। ब्रह्मा जी को बुलाओ सीता मैया रूठ जाए, हाँ सीता मैया रूठ जाए, सीता मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, सीता मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। कृष्णा जी को बुलाओ राधा मैया रूठ जाए, हाँ राधा मैया रूठ जाए, राधा मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, राधा मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। दुर्गा मैया को बुलाओ नव दुर्गा मैया रूठ जाए, हाँ नव दुर्गा मैया रूठ जाए, नव दुर्गा मैया सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में, आसन सहित आ जाना गजानन हमरे भवनवा में। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, पूरब पक्षम उत्तर दक्षिण, पूरब पक्षम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे हरि जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगा मेरे प्रभु जी। रात के 9 बज चुके हैं, मंदिर में पूजा भी सब कर दी है मैंने, अभी थोड़े से मैंने
अकेले में भजन भी गाए हैं थोड़े से, आपको भी दिखा रही हूँ अकेले में क्या भजन होते हैं। वैसे भी रात हो गई है, अभी तक चंद्रमा नहीं आए हैं, चंदा मामा का ही इंतज़ार हो रहा है, इसीलिए मंदिर में ही बैठी थी, थोड़ी सा गुनगुना रही थी और आपको भी सुना रही हूँ मैं। आपको जैसा भी लगेगा, अच्छा तो नहीं हुआ है, पर जो भी है आपको भी दिखा रही हूँ मैं। अभी चंदा मामा नहीं आए हैं, चंदा मामा आएंगे तो चंदा मामा की पूजा करूँगी, उसके बाद ही तब जाके अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी मैं। चंदा मामा कितने बजे आते हैं मैं आपको भी दिखाऊँगी। अभी मंदिर में ही हो रहा है मेरा इंतज़ार, और खाली गुनगुना रही हूँ थोड़ा सा, और दिखाती रहूँगी मैं आपको कितने बजे आते हैं चंदा मामा। आज बहुत देर में आते हैं चंद्रमा, तो बज गए हैं, अब देखते हैं कितने बजे आता है, तब मिलते हैं आपसे। देखिए चंद्रमा आ चुके हैं, 10:10 पर आए हैं चंद्रमा। अभी मैं भी करती हूँ पूजा, बहुत इंतज़ार करवाया चंदा मामा ने आज, बहुत ही लेट में आई चंद्रमा, अब मैं भी पूजा करती हूँ। रात के 10:20 हो चुके हैं और चंदा मामा भी आ चुके हैं और मैंने पूजा कर दी है। आप मैं भी खाती हूँ खाना। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।